The next chapter in chemistry is chapter number 3, water. तुम सोचोगे water में क्या पढ़ना है यार, water तो है ठीक है. नहीं, water में if you look at the you can say the topic of water in context with chemistry, it is very elaborate. बहुत कुछ है इसमें समझने के लिए. सबसे पहले वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O. केमिकल नेम क्या है, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड. मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 AMU. वाटर किससे बनता है, वाटर कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है. दो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, दूसरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं. बॉन्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में. टिल देन वाटर के बारे में समझ लो. मोर देन 70% ऑफ अर्थ वाटर से ऑक्यूपाइड है. हार्डली 2.5% ऑफ दिस वाटर मेक्स अप वर्ल्ड्स सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर विच इज पोर्टेबल, जिसको कंज्यूम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द फ्रोजन वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स. ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, आइस, लिक्विड वाटर एंड गैस वाटर वेपर. वाटर साइकिल के बारे में तुम जानते ही ऑलरेडी. सारे लिविंग बींग्स का मेजर कंस्टिट्यूएंट वाटर होता है ठीक है, और हमारे एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट में भी वाटर एक सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट है. 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर. वाटर अकर्स बोथ इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट. ऑर्डिनरीली वाटर लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, बट जब वो हीट करते हैं हम लोग उसको, नॉर्मल प्रेशर दैट इज 760 mm ऑफ Hg, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो जाता है और रैपिडली गैशियस स्टेट या स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. स्टीम को कूल करने पे वापस वो कंडेंस होकर वाटर बन जाता है, हीट रिलीज होती है, और ये जो हीट है इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन एंड इट इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन और वेपराइजेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले क्लास 10th में इन फिजिक्स, सो डोंट वरी अबाउट देम राइट नाउ. यहां पे छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दिया है, द सडन रिलीज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन दैट कॉजेज द वायलेंस एसोसिएटेड विथ टोरेंशियल रेन. टोरेंशियल रेन मतलब बहुत एकदम धुआंधार बारिश होती है, दैट इज ड्यू टू द सडन रिलीज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, जिसकी वजह से बहुत सारा वाटर एक साथ स्टीम से वाटर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में, और फिर बहुत ज्यादा बारिश होती है. वेरी नाइस इंफॉर्मेशन यार. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, प्योर वाटर क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है और टेस्टलेस भी होता है. द टेस्ट इन वाटर इज ड्यू टू गैसेस एंड सॉलिड डिसॉल्व्ड इन इट एंड दैट इज इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट. इसका मतलब क्या है पता है, तुम्हारे घर पे पानी पीते हो, एक पर्टिकुलर टेस्ट है उसका. अब ये पानी को बॉइल करके पियो, तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा बॉइल्ड वाटर पीने के लिए, क्योंकि बॉइल जैसे ही पानी को बॉइल करने के बाद जब तुम पीते हो उसका टेस्ट खत्म हो जाता है. टेस्ट किसकी वजह से था, उसके अंदर जो डिजॉल्व गैसेस थे उसकी वजह से. सॉलिड्स तो खैर बॉइल्ड वाटर में रहेंगे ही, लेकिन जो गैसेस है वो बबल्स के साथ जब बॉइल होता है वाटर तो निकल जाते हैं अंदर से, तो उसका टेस्ट भी खत्म हो जाता है. तो बॉइल्ड वाटर टेस्ट वेरी फ्लैट ठीक है, एज कंपेयर टू नॉर्मल टैप वाटर. इवन दो इफ इट इज फिल्टर्ड इट हैज इट्स ओन फ्लेवर. बॉइलिंग पॉइंट क्या है पानी का, कितने डिग्री पे बॉइल होता है, 100 डिग्री पे अंडर नॉर्मल प्रेशर ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज अफेक्टेड बाय प्रेशर बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज कंसिडर्ड एज द टेम्परेचर वेन वेपर प्रेशर इक्वल्स द एटमोस्फेरिक प्रेशर. जब वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से इक्वल होता है ठीक है,
जस्ट अ मोमेंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज अफेक्टेड बाय प्रेशर बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज कंसिडर्ड एज द टेम्परेचर व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यस, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल होता है. दस द ग्रेटर द प्रेशर हायर द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एंड वाइस वर्सा. दिस इज द प्रिंसिपल बाय विच प्रेशर कुकर वर्क्स. प्रेशर कुकर में क्या होता है, हाउ डज प्रेशर कुकर वर्क्स, यू नो. सो प्रेशर कुकर में, इफ यू हैव सीन अ प्रेशर कुकर, लेट मी गेट यू अ डायग्राम ऑफ. ओके, सो इन प्रेशर कुकर व्हाट हैपेंस इज यू क्लोज द लिड, ठीक है. अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यू फिल वाटर, ठीक है, इसके अंदर तुम पानी भर देते हो. एंड देन यू स्टार्ट हीटिंग इट. सो वॉट हैपन्स विद दिस वॉटर, द वॉटर स्लोली स्लोली द टेम्परेचर ऑफ वॉटर राइजेस, द टेम्परेचर ऑफ वॉटर राइजेस एंड इट बिगिन्स बॉइलिंग, बट बिकॉज इट इज अंडर प्रेशर नाउ इट विल नॉट बॉइल एट 100 degrees Celsius. Because it is at a higher pressure than the atmospheric pressure, because it is pressurized. Pressurized क्यों है, क्योंकि यहाँ से ऊपर से सब कुछ बंद है, तो जो वेपर प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे अंदर accumulate हो रहे हैं, and that creates pressure inside the pressure cooker, very high pressure, ठीक है. तो very high pressure की वजह से अंदर का जो boiling point है अब वो 100 degree Celsius water का boiling point नहीं रहे. Now the water will keep on boiling but will not become vapor, maybe up to 120 degree Celsius. अब वो boiling point for example 120 degree पे चला गया, अब पानी 120 degree तक liquid state में ही रहेगा और उसके अंदर जो भी contents है, जो भी तुम्हारे food articles है, they will keep boiling with the water at this temperature 120 degree Celsius. And at such a high temperature these food substances they cook very fast inside प्रेशर कुकर, ठीक है. अगर तुम माउंटेन्स में जाते हो, हिल्स पे जाते हो, तो क्या होता है, इन द हिल्स वाटर बॉइल्स एट टेम्परेचर विच इज लोअर देन 100 degree Celsius विथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बींग लो, दैट इज 70 degree Celsius ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, एंड सो फूड इज नॉट कुक्ड प्रॉपरली देयर. माउंट एवरेस्ट पे बॉइलिंग पॉइंट कितना है पानी का, 70 degree Celsius. क्यों, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है. एज यू गो अबाउ द सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते रहता है, कम होते जाता है. एंड ऑन वेरी हाई माउंटेन्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी लेस, एंड दैट्स व्हाई यू नो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस. एंड द वाटर माउंट एवरेस्ट पे तो 70 degree Celsius पे बॉइल हो जाता है, लेकिन लेट्स से इफ इट इज Somewhere in Himachal, maybe you know, you go to some peak, और वहाँ पे तुम खाना पकाने की कोशिश करोगे, let's say Rohtang Pass or somewhere near Manali, तो the food will take a very long time to cook. क्यों? क्योंकि वहाँ पे atmospheric pressure कम है. Atmospheric pressure कम होने की वजह से water जल्दी boil हो जाता है. Boil होके steam बन के जल्दी pressure cooker की सीटियाँ बजने लगती है, right? तो खाना अंदर पकने का, खाने को वाटर के साथ बॉईल होने का मौका ही नहीं मिलता, कम टेम्परेचर पे खाना पकेगा नहीं, ठीक है. सो प्रेशर कुकर्स वहां पे यूजफुल होते हैं, लेकिन फिर भी इतने यूजफुल नहीं होते, ठीक है. तो क्या करते हैं प्रेशर कुकर, अगर इतने यूजफुल नहीं है तो क्या करते हैं वो लोग, तो वो लोग तुमने अपने घर पे भी देखा होगा कि योर मॉम व्हेन शी कुक्स using a pressure cooker, she adds some salt in the water of pressure cooker. Salt डालने से, impurity डालने से boiling point increase होता है, और यही चीज यहाँ पे नीचे लिखी है. The boiling point of water also increases due to presence of dissolved impurities in it. ठीक है, तो तुमने अगर salt डाला तो पानी late boil होगा, उसका boiling point increase हो जाएगा, and the food will get to cook in that high temperature water for a long time before it gets boiled off and the food will get cooked faster. तो ये था boiling point के बारे में, ठीक है. Next is freezing point of water or melting point of ice. Pure water जिसमें कोई impurity नहीं है, वो 0 degree Celsius पे freeze हो जाता है at or under normal pressure 1 atmosphere.
अच्छा, अगर प्रेशर कम हुआ तो फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है, मतलब वाटर जल्दी फ्रीज हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, जल्दी फ्रीज हो जाएगा या लेट फ्रीज होगा? आई थिंक लेट फ्रीज होगा। लेट फ्रीज होगा इसका मतलब, लेट और जल्दी का मतलब मैं बता देता हूँ। सी, दे आर सेइंग दैट इफ द प्रेशर डिक्रीजेस, द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। देखो, फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल प्रेशर पे 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर माउंटेन पे गए तुम, प्रेशर डिक्रीज होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से कम होके मे बी -1, -2, -3 पे चला जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना कम, फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम, ये हम बताना चाहते हैं। ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज इन इट। अगर तुमने देखा होगा कि बहुत लोग आइस बेचते हैं ना, आइस आइस जब बेचते वो लोग, तो आइस को बहुत देर के लिए फ्रोजन रखने के लिए, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि उस पे सॉल्ट डाल देते हैं। समर सीजन में जो लोग आइस बेचते हैं वो सॉल्ट डाल के बेचते हैं आइस, क्योंकि उससे आइस जल्दी मेल्ट नहीं होता, आइस का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, जहाँ पे कनाडा और ऐसे कोल्ड कंट्रीज में, अलास्का और जहाँ पे बहुत सारी आइस होती है, ठीक है, ऐसे कोल्ड रीजन्स में क्या होता है कि यू नो, इफ यू हैव अ होम इन योर इन इन सच अ कोल्ड रीजन, व्हाट हैपेंस इज कि तुम्हारे घर के आगे बर्फ जम जाती है। अब तुम्हें तुम्हारी कार को निकालना है, कैसे निकालोगे? सो व्हाट दे डू इज दे थ्रो और दे स्प्रिंकल और दे स्प्रेड सॉल्ट ऑन दिस आइस। अब वहां पे टेम्परेचर ऑलरेडी -20 डिग्री सेल्सियस है उस एरिया का। अब आइस डालने से क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ आइस विल डिक्रीज। जो 0 डिग्री पे मेल्ट होने वाला आइस है, अब वो -10 डिग्री पे मेल्ट हो जाएगा, तो आइस जल्दी मेल्ट होता है। सॉल्ट डालने से क्या होगा, आइस जल्दी मेल्ट होगा। कहाँ पे? कोल्ड कंट्रीज में। बट हॉट कंट्रीज में जो लोग आइस बेचते हैं समर में, वो लोग सॉल्ट डाल के क्यों बेचते हैं? क्योंकि आइस का टेम्परेचर जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो और कम हो जाता है, तो आइस इजिली मेल्ट नहीं होता। तो उसका ड्यूअल डबल एज्ड स्वॉर्ड है ये ड्यूअल एप्लीकेशन है सॉल्ट का, इम्प्यूरिटी का बेसिकली। ठीक है, तो ये देखा हमने वाटर का क्या नेचर, फिर बॉइलिंग पॉइंट, फिर फ्रीजिंग पॉइंट, सारी चीजें, सारे एस्पेक्ट वाटर के कवर कर रहे हैं हम लोग। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मीनिंग क्या है? और 1000 केजी पर मीटर क्यूब एंड मिनिमम वॉल्यूम, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है और वॉल्यूम कितना होता है? मिनिमम। मैं तुम्हें बताता हूँ, वाटर की डेंसिटी वो लोग बता रहे हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मीनिंग है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर ऑफ मास 1 ग्राम, विल ऑक्यूपाई 1 सेंटीमीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। या फिर वाटर की जो डेंसिटी है वो क्या बोला उन्होंने, 1000 केजी पर मीटर क्यूब है। इसका मतलब 1000 केजी ऑफ वाटर ऑक्यूपाइज 1 मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया वाटर की डेंसिटी का मीनिंग। लेकिन वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो डेंसिटी है वाटर की वो क्या है, मैक्सिमम। व्हाट इज इट? मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या है ये? मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। ऐसा क्यों बोलते हैं, ये मैक्सिमम डेंसिटी क्यों है? क्योंकि वाटर का एक अजीब यू नो एक बिहेवियर है जिसको एनामलस एक्सपांशन ऑफ वाटर बोलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली। सो ये समझते हैं एनामलस एक्सपांशन ऑफ वाटर क्या है। सो सपोज तुम्हारे पास वाटर है एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर तुम कूल करते हो, कूल, तो ये क्या करेगा? इट विल कॉन्ट्रैक्ट, इट विल कॉन्ट्रैक्ट, बट ओनली अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस से वाटर को कूल करते जाओगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा, उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। बियॉन्ड या अबाउ 4
सॉरी बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस इफ यू कंटिन्यू कूलिंग, ठीक है, बिलो बिलो सही वर्ड है, बिलो 4 डिग्री सेल्सियस इफ वी कंटिन्यू कूलिंग वाटर क्या होता है? इट एक्सपांड्स. क्या करता है वो? एक्सपांड होता है वो. जस्ट इमेजिन वाटर को कूल करने पे बिलो 4 डिग्री सेल्सियस वो एक्सपांड होता है. एक्सपांड होता है इसका मतलब क्या है? इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस. उसका वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है, मतलब वो फैलने लगता है. तो वाटर जब आइस बनता है 4 डिग्री से 0 डिग्री का जो उसका जर्नी है उसमें वो एक्सपांड होता है, फैलने लगता है. मतलब उसका मास तो उतना ही रहेगा, वॉल्यूम का बढ़ रहा है. मतलब डेंसिटी क्या है? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. मास उतना ही है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो डेंसिटी क्या होगी? क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो डेंसिटी की वैल्यू कम होगी. इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड डेंसिटी डिक्रीजेस. ये पूरा फ्लो चार्ट है. वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस पे था वाटर, उसको हमने कूल किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ अप टू 4 डिग्री सेल्सियस. बिलो 4 डिग्री सेल्सियस और हमने कूल किया, ठीक है, तो वो एक्सपांड होने लगा. ठीक है, जनरली चीजें जब हम कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन वाटर ऐसा नहीं करता है, वाटर एक्सपांड होता है. एंड बिकॉज इट इज एक्सपांडिंग इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस. ये पूरा फ्लो चार्ट. ठीक है, तो हम इसलिए हम बोलते हैं कि आइस इज लेस डेंसर देन वाटर. व्हाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर? यही तो रीजन है. आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. आइस की डेंसिटी वाटर से कम है इसलिए आइस फ्लोट करता है. ठीक है, क्योंकि एनामलस एक्सपांशन हुआ वाटर में. ठीक है, अब मेरे पास आइस है. लेट से दूसरा एक फ्लो चार्ट देखते हैं. मेरे पास आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस. वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और वो क्या कर रहा है? मेल्ट हो रहा है और वो क्या बन गया? वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब वाटर जब 0 डिग्री सेल्सियस से अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ा और उसको अगर हीट करेंगे, ठीक है, और उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा फाइनली? 4 डिग्री सेल्सियस. लेकिन हीट करने पे अप टू 4 डिग्री सेल्सियस वाटर को एक्सपांड होना चाहिए, तो वो एक्सपांड नहीं होता है. वो एक्सपांड नहीं होता है, वो क्या करता है वाटर? क्या करता है? 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस. देखो 4 टू 0 डिग्री सेल्सियस उसने क्या किया? उसका उल्टा होगा. जो 4 टू 0 डिग्री सेल्सियस किया वाटर ने उसका उल्टा होगा. सो वाटर को 0 डिग्री से बियॉन्ड अगर हम लोग हीट करेंगे इट विल कॉन्ट्रैक्ट. लेट मी जस्ट वेरीफाई दिस. यस, सो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट इज हीटेड इट डज नॉट एक्सपांड, इट कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, एंड रीचेस 4 डिग्री सेल्सियस. 4 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, इफ यू हीट इट फर्दर बियॉन्ड बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस इफ यू हीट इट इट एक्सपांड्स जस्ट लाइक नॉर्मल सब्सटेंसेस. ऑन हीटिंग एवरीथिंग एक्सपांड्स. बट वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस ऑन हीटिंग इट कॉन्ट्रैक्ट्स. एंड इसका उल्टा, वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इट कॉन्ट्रैक्ट्स. बट फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस इफ यू कूल इट फर्दर इट विल एक्सपांड. सो दैट इज एनामलस एक्सपांशन ऑफ वाटर. ठीक है, इसी के लिए हम लोग बोलते हैं कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, विच इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 kg/m³. इसको याद रखना. ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, इस ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है. सो दिस इज द ग्राफ शोइंग वाटर एज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस. एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है,
यहाँ पे वाई एक्सिस पे डेंसिटी है। सो एज यू कैन सी द डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे 4 डिग्री से तो वाटर एक्सपांड होता जाएगा, डेंसिटी गिरती जाएगी। अगर टेम्परेचर कम करोगे तो भी वाटर एक्सपांड होता जाएगा। और एक्चुअली यहाँ पे -5 -10 दिखाया है, आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट, हाँ बट जैसे ही दिखाया है वही याद करूँ, तो भी वाटर एक्सपांड करेगा और उसकी डेंसिटी गिरती जाएगी। तो वाटर का एनामलस एक्सपांशन का जो प्रॉपर्टी है उसका एक बेनिफिट है मरीन लाइफ को। सो वॉट हैपन्स इज तुम्हारे कोई भी पॉन्ड में जहाँ पे वाटर होता है, कोल्ड रीजन में बेसिकली वाटर के ऊपर का जो लेयर होता है वो पूरा फ्रोजन रहता है, आइस बन जाता है। नीचे अभी भी वाटर होता है, नीचे फिशेस, मरीन लाइफ, मरीन एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब सर्वाइव करते हैं, ऊपर आइस बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यू विल सी दैट जो बाहर का टेम्परेचर, दैट कुड बी -20, ठीक है, ये टेम्परेचर की वजह से ऊपर वाला लेयर अपनी हीट लूज करके आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट बिकॉज आइस इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, द वाटर बिलो द लेयर ऑफ आइस डज नॉट लूज इट्स हीट टू द आउटसाइड एटमोसफेयर एंड इट रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट विच एनेबल्स द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इनसाइड दिस फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, बट इट्स स्टिल नॉट आइस। या नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सो वाटर हैज दिस रिमार्केबल प्रॉपर्टी दैट इट कैन डिजॉल्व मेनी न्यूमरस सब्सटेंसेस फॉर्मिंग एक्वेस सोल्यूशंस। यू मस्ट बी अवेयर विद दिस टर्म एक्वेस सोल्यूशन। एक्वेस सोल्यूशन मीन्स वाटर सोल्यूशन। सो वाटर कैन डिजॉल्व मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेस। वाई? बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ड्यू टू दिस हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इट रिड्यूसेज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स विच आर देयर इन आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है, एंड डिजॉल्व इवन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर यूजली इलेक्ट्रोवैलेंट। नॉट ओनली सॉलिड्स बट ऑल्सो गैसेस एंड अदर लिक्विड्स डिजॉल्व इन वाटर। हैंस इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड एब्सोल्यूटली प्योर वाटर इन नेचर बिकॉज इट डिजॉल्व एवरीथिंग इन इट। फॉर द सेम रीजन वाटर इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सब्सटेंसेज दैट आर अपेरेंटली इनसोल्यूबल इन वाटर एक्चुअली डिजॉल्व इन इट इन ट्रेसेस। इवन वेन वी पुट वाटर इन अ ग्लास वेसल इन एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लास डिजॉल्व इन इट डिजॉल्व इन इट दैट इज रियली यू नो वेरी स्ट्रेंज एंड वियर थिंग टू नो दैट वेन यू आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ ग्लास यू आर एक्चुअली ऑल्सो ड्रिंकिंग सम ग्लास विद इट। इट इज फॉर दिस रीजन दैट वेन डिस्टिल्ड वाटर इज केप्ट इन अ सील्ड बॉटल फॉर अ लॉन्ग टाइम इट लीव्स एचिंग्स ऑन द इनसाइड सरफेस ऑफ द ग्लास। Yes, we see that small, you know, the lines. Basically, I don't know the actual word for it. Not etching, actually, but you know, when even when you know, if you're on your window, if you see if there are some water droplets left for a long time, if you clean them. There will be, mostly this happens on vehicle or car windows and glasses. If you leave the water for a long time, it leaves behind those marks, okay, those spots basically which cannot be cleaned. So those are etchings. Okay, we have to show that in this experiment, ordinary tap water contains dissolved solids. So what they have done is they have put some tap water on clean watch glass. Watch glass is this particular container, kind of a vessel, and we have to keep it over beaker containing water as shown here. Okay, and you have to boil the water in the beaker
When all the water has evaporated from the watch glass, remove it from the burner and let it cool. You will find the appearance of the watch glass after evaporation in the form of circular concentric rings will be formed on the watch glass. On looking the watch glass against light, a number of concentric rings of solid matter are seen. These are dissolved solids in tap water, which are left behind after evaporation of water. So tap water contains a lot of dissolved solids, and that's why the taste of tap water, you know, it is very different from boiled water or distilled water. Are these dissolved solids important? Many times, yes. Sometimes, no. Okay. See, they are essential for growth and development of plants. These dissolved solids are mostly salts, minerals, and impurities. Other than impurities, the salts and minerals are important. They are essential for growth and development of plants. They add taste to water, as I told you. They supply the essential minerals needed by our bodies. Who supply essential minerals needed by our bodies? The dissolved salts and minerals. Tap water, river water, well water contain dissolved solids, but rain water and distilled water do not contain dissolved solids. And so concentric rings are not formed in their case. If you do the same experiment with rain water, they will not contain dissolved solids. It's directly coming from sky. Where will the solid will dissolve in it? Air dissolved in water. See, air is present in dissolved state in all natural sources of water. Of the main two components of air, nitrogen and oxygen, oxygen is more soluble in water than nitrogen. Since oxygen is more soluble in water compared to nitrogen, the air dissolved in water differs from ordinary air. It has more oxygen content. So in this experiment, we will show that tap water contains dissolved gases or air. We have to fill a round bottom flask completely with tap water. Arrange the apparatus as shown in the figure. So there is this cork with two holes fitted in the round, fitted on the neck or mouth of the round bottom flask. In that particular cork, there are two holes. So in one hole, there is this tube which is inserted. And in the other hole, there is this delivery tube which goes into the inverted, you can say funnel. Yeah, kind of a funnel, not funnel, but inverted. There are some markings on this particular tube. I don't know what you call them. They are saying that burette. This is known as burette. Okay. Fill a round bottom flask completely with tap water and arrange the apparatus as shown in the figure. A graduated tube or burette filled completely with water is inverted over the end of the delivery tube in the trough of water. So this is the trough. Trough is like this open container. ये ओपन कंटेनर में ब्यूरेट को इन्वर्ट किया है और किसके ऊपर, ये डिलीवरी ट्यूब के ऊपर ब्यूरेट में पूरा पानी भरा है. ठीक है. हीट द वॉटर इन द फ्लास्क. गैस बबल्स आर सीन एस्केपिंग फ्रॉम वॉटर. यस, इन द फ्लास्क और राउंड बॉटम फ्लास्क व्हेन यू हीट इट, गैस बबल्स विल बी सीन एस्केपिंग द वॉटर. दे आर कलेक्टेड इन ग्रेजुएटेड ट्यूब बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉटर. सो हेयर इन द ग्रेजुएटेड ट्यूब ऑल द गैस विल बी कनेक्टेड इन कलेक्टेड इन दिस एम्प्टी स्पेस. By downward displacement of water means the level of water, maybe it was here first, it drops down to here, right? Because see, there is no water in the trough first, but as the level of water drops down, extra water flows out and it fills the trough up to the brim. Okay, some water will also overflow if gas continues to collect over here. So where is the gas coming from? The delivery tube. And actually, in the delivery tube, the gas is coming from the boiling water or heating water. The bubbles of gases which are evolved, they enter the delivery tube and get connected in the burette. Okay. The water vapors present in the gases condense on coming in contact with cold water in the tube. Obviously, the remaining gases come from the air dissolved in water and they can escape on heating. Read the volume of the gas collected. The volume of gas collected in the graduated tube shows the presence of dissolved gases in tap water. The solubility of a gas often expresses is often expressed by the volume of
दैट गैस डिजोल्व इन सर्टन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट. फॉर एग्जाम्पल, द सोल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन इन वॉटर इज एक्सप्रेस्ड एज 0.02 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वॉटर एट 0 डिग्री सेल्सियस और 506 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वॉटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. सो बेसिकली दे आर सेइंग दैट हाइड्रोजन इज लेस सोल्यूबल इन वॉटर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड. सपोज यू हैव लेट्स से 1 लीटर, suppose you have 1 liter of water, which is 1000 ml of water. So in this 1000 ml of water, only 0.02 volume, 0.02% of 1000 ml, that is, okay, so 2/100 into 1000 ml. That is basically 20 ml of hydrogen will be soluble in it. Just imagine, 1000 ml water में सिर्फ 20 ml hydrogen dissolve हो सकता है at 0 degree Celsius. लेकिन 1000 ml water में या कोई भी given volume of water में 506 volumes of hydrogen chloride per unit volume of water can be dissolved. So suppose you have 1 liter of water or 1000 ml of water. They are saying 506 volume of HCl can be dissolved in it, can be dissolved in it. That is 506 upon 100 into 1000. That is 5060 liters, 5060 ml. I'm sorry, 5060 ml. Or you can say, if you divide it by 1000, 5.06 liters of HCl can be dissolved in it. Matlab, 1 liter pani mein 5 liter hydrogen chloride dissolve kar sakte ho. Matlab, hydrogen chloride is highly soluble in water. Isko hum log class 10th mein padhne wale. Ye property hydrogen chloride ki. See, the composition of air dissolved in water is 33% oxygen. Compared to only 21% in ordinary air. मतलब water में 33% oxygen होता है, air में 21% oxygen होता है, ठीक है, 66% nitrogen होता है water में and 1% carbon dioxide होता है. The gases dissolved in water can be easily expelled by boiling the water. ये हमें पता ही है. And distilled water and boiled water have no taste. The pleasant taste of drinking water is due to the presence of dissolved matter like air, carbon dioxide and minerals in the water. Ye jo air hai, dissolved air, water mein, iska importance kya hai? See, marine life like fish use the oxygen of the air dissolved in water for respiration and thus aquatic life is sustained. 1 dm³ of water contains nearly 40 cm³ of dissolved oxygen. That's a lot of it, enough to survive for the survival of aquatic plants and animals. Yeah, but jab water pollution hota hai to ye jo oxygen hai, dissolved oxygen, uski quantity deplete hone lagti hai. That's why fishes die due to water pollution. Carbon dioxide. See, aquatic plants make use of dissolved carbon dioxide for photosynthesis, that is to prepare their food. This is the equation for photosynthesis. You all must be aware. Carbon dioxide dissolved in water reacts with limestone to form calcium bicarbonate. Okay, limestone calcium carbonate reacts with calcium carbon dioxide plus water gives calcium bicarbonate. Marine organisms such as snails, oysters, etc. extract calcium carbonate from calcium bicarbonate
टू बिल्ड देयर शेल्स, जो शेल्स मिलते हैं ना तुम्हें, दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो वो इस पर्टिकुलर रिएक्शन से बनता है. ठीक है, सो दीज वर सम यू नो बेसिक थिंग्स रिलेटेड विद वाटर. इसमें कुछ कुछ पार्ट मैंने कट कर दिया है, जैसे ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब तुमको नहीं है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. सो एक्सरसाइज 3A है, छोटा सा है, इसमें जो क्वेश्चन नहीं करने हैं दैट ऑल्सो आई विल लेट यू नो. एंड इसका सेकेंड पार्ट है सल्यूशंस, सल्यूबिलिटी एंड क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसमें, काफ़ी बड़ा पार्ट है ये. एंड आई थिंक दैट्स इट. नो, देर इज वन मोर पार्ट, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर. यस, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, दिस चैप्टर इज नॉट वेरी शॉर्ट, बट या द फर्स्ट पार्ट इज ओवर, एटलीस्ट द फर्स्ट पार्ट इज ओवर. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू सेंड यू दिस एक्सरसाइज, जस्ट वॉच द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट? सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.